नमस्कार। जानकी पुल के इस विशेष लाइव में हम आपका स्वागत करते हैं, आप सभी सुनने वालों का, देखने वालों का। आज हम लोग अक्सर बीच बीच में किताबों पर बातचीत करने के लिए आते रहते हैं। आज हम लोग जिस किताब पर बातचीत करने के लिए आए हैं, वो किताब ये मेरे सामने है, त्रिपुर दमन सिंह ने लिखा है, वे 16 दिन, नेहरू, मुखर्जी और संविधान का पहला संशोधन। ये किताब 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने से लेकर अगले 1.5 सालों के दौरान 1952 के पहले आम सभा लोकसभा चुनावों से पहले की परिस्थितियों को लेकर किताब में चर्चा है। और मूल रूप से ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई थी जिनके कारण संविधान का पहला संशोधन संविधान के लागू होने के 16 महीने के अंदर करना पड़ा, ये इस किताब का मूल विषय है। और बहुत रोचक अंदाज में, बहुत रोचक शैली में, बहुत सारे उद्धरणों, बहुत सारे विचारों के साथ इस किताब को लिखा गया है। इस किताब पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं जाने माने पत्रकार, लेखक मंजीत ठाकुर जी। मंजीत जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं सुशांत झा जी, जो वैसे तो संपादक हैं पेंगुइन, इन पॉकेट बुक्स पेंगुइन के, लेकिन आज वो एक वो हम सब उनके राजनीतिक विचारों को भी जान राजनीतिक चर्चाओं को उनके फेसबुक पोस्ट के माध्यम से पढ़ते रहे हैं। और हम सब उनके चुटीले राजनीतिक टिप्पणियों के बड़े माहिर लेखक माने जाते हैं। सुशांत जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद और इस धन्यवाद। बातचीत की शुरुआत हम सुशांत झा जी से ही करना चाहेंगे, क्योंकि सुशांत जी ने इस किताब को संपादित किया है। तो इस किताब के बारे में पहली टिप्पणी आप क्या करना चाहेंगे, क्या क्या इस किताब में ऐसी खास है, वे 16 दिन किताब जो त्रिपुर दमन सिंह ने लिखी है, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो सबसे जिसका आप उल्लेख करना चाहेंगे? धन्यवाद प्रभात जी, इस चर्चा में शामिल करने का मौका देने के लिए। इस किताब की जो पृष्ठभूमि है, ये अंग्रेजी में ये किताब 2 साल पहले आई थी और हिंदी में ये किताब इस साल आई है। और 16 Stormy Days के नाम से अंग्रेजी में ये किताब आई थी त्रिपुर दमन सिंह की, जो ऑक्सफोर्ड के विद्वान हैं। और उन्होंने ये किताब नेहरू सरकार के कार्यकाल के शुरुआती दिनों पर लिखी, जिसमें संविधान में एक अहम संशोधन किया गया, पहला संशोधन, और जिसे जाने माने कानूनविद उपेंद्रनाथ बख्शी ने दूसरा संविधान तक करार कर दिया था। और वो संशोधन अपने प्रभाव में इतने व्यापक थे और दूरगामी थे कि उस समय जो अंतरिम संसद थी उसमें एक तूफान सा खड़ा हो गया था, जिसे अब 70 साल बीत जाने के बाद शायद नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी उतना याद नहीं रखती। लेकिन अभी भी जो देश में बहुत सारी बहसें चल रही हैं, मतलब आरक्षण पे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे और प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल राइट पे, खास करके व्यक्तिगत कानून की स्वतंत्रता पे, उससे ये संशोधन बहुत गहरे जुड़े हुए थे। और नेहरू सरकार ने संविधान लागू होने के ठीक 1 साल बाद और आम चुनाव होने से ठीक 4-5 महीना पहले इसे संशोधित कर दिया था और एक नया शेड्यूल जोड़ दिया गया था, शेड्यूल 9, जिसमें कि कई कानूनों को संवैधानिक रिव्यू से, कानून की रिव्यू से बाहर रखने का प्रावधान कर दिया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता आ रहा है कि हम उसे रिव्यू कर सकते हैं। और उसमें से जो मूल 3 बातें थी, वो एक तो था कि तमिलनाडु का कम्युनल रिजर्वेशन, जिसमें कि आरक्षण को एक सीमा से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, खास करके ब्राह्मणों के वर्चस्व को कम करने के लिए, जो वहां के ब्यूरोक्रेसी में और जुडिशियरी और पुलिस विभाग में बहुत ही वर्चस्वशाली थे। दूसरा, जमींदारी उन्मूलन एक्ट, उसको अदालतों में चुनौती दी गई थी और अदालतों ने जमींदारों के पक्ष में फैसला दे दिया था। और तीसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों के जो मुखपत्र थे, वो जो सरकार की आलोचना कर रहे थे, उस पर सरकार ने रेजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि युक्त युक्त प्रतिबंध लगाने की बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, उससे भी ज्यादा सीधे प्रतिबंध लगाने की बात कही थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सरकार इसको प्रतिबंधित कर सकती है। तीन मैं यही बातें यही आपको रोकना चाहूंगा। ये बड़ा आपने दिल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आपने की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पिछले 8 सालों से, जब से भाजपा की सरकार केंद्र में है, ये लगातार ये मुद्दा
उठता रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है किसी न किसी तरह से। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उसके आखिरी दो तीन सालों में, उसके दूसरे कार्यकाल के दो तीन सालों के दौरान भी ये बात बहुत प्रमुखता से उठती रही कि सोशल मीडिया पर और डिजिटल मीडिया पर लिखने और उसको किसी तरह से प्रतिबंधित, इसी तरह से उसके ऊपर कानूनी रोक लगाई जाए या कानूनी बंदिश लगाई जाए, इसको लेकर लगातार बातचीत होती रही। और ये बड़ा दिलचस्प लगा मुझे इस किताब में, खास तौर पे इस पूरी किताब का जो मूल एक एक विषय अगर है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर है। और जिस नेहरू को हम सब लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हामी के रूप में जानते रहे, ये माना जाता रहा, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं कि नेहरू बहुत डेमोक्रेटिक आदमी थे, बहुत जनतांत्रिक व्यक्ति थे, और उनके कारण जनतंत्र इस देश में इतना फला फूला, इतना मजबूत बना। लेकिन ये मुद्दा ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक अखबार आपने एक क्रॉस रोड्स निकालते थे, रोमेश थापर जो रोमिला थापर के भाई थे और कम्युनिस्ट आंदोलन नेता थे उसके ऊपर, और दूसरा अखबार जो था ऑर्गेनाइजर, इसके संपादक के आर मलकानी थे। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर एक बिल्कुल नई दृष्टि, एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। मंजीत जी, इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इस किताब का मूल विषय एक तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर देश की पहली सरकार की नीतियों को भी एक तरह से दिखाना है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत और प्रभात जी आपका। देखिए, मैं इस बात, इस पूरी किताब को पढ़ने के बाद, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या प्रेस में नेहरू की आलोचना को लेकर के या इस विषय को लेकर के कि आखिर नेहरू को जितना उदारवादी उनके अनुयायी लेखकों ने बाद में बनाया या जिस तरह से खड़ा किया, उसकी एक मिसाल दे करके इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। जब मैं बिहार, संयुक्त बिहार में मैं जब पहली कक्षा में पढ़ता था तो एक सरकारी बिहार टेक्स्ट बुक जो पब्लिशिंग कॉरपोरेशन था उसकी एक किताब चलती थी, बहुत ही मतलब बुनियादी पहली कक्षा की बात बता रहा हूँ। उसमें कहानी थी कि एक बच्चा था जो गुब्बारे बेच रहा था और शाम तक उसका कोई गुब्बारा नहीं बिका, और बाद में वहां से नेहरू जी की गाड़ी गुजरी और नेहरू जी ने सारे गुब्बारे खरीद लिए और बच्चे को 5 रुपया एक बार में ही मिल गया। पहली कक्षा में आपने बच्चे में इंडक्ट कर दिया कि गांधी जी, नेहरू जी तो चाचा नेहरू थे, बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, एक उदारवादी व्यक्ति थे। इस तरह का जो बच्चों से शुरू करने की चीज, और बाद में हमने देखा कि उत्तरोत्तर जैसे जैसे कांग्रेस की सरकारों ने नेहरू को एक बहुत बड़ी छवि का, कद्दावर शख्सियत का, बेशक थे लेकिन जितने बड़े थे उसको भी लार्जर देन लाइफ प्रेजेंट करने की जो कोशिश की गई और उसमें वो कामयाब हुए, और आज भी आप नेहरू के खिलाफ एक या दो शब्द या पांच शब्द कुछ कह लें, आलोचना कहते हैं, तो आपको सीधे माना जाता है कि आप दूसरे खेमे, दाहिने खेमे के लोग हैं, राजनीतिक रूप से आप एक इंक्लाइंड पर्सन माने जाते हैं। सबसे पहली बात, जो ये किताब है वो 16 दिन, जो मुझे लगता है कि शायद पहली ऐसी किताब है जो नेहरू की उस छवि पर चोट करती है, शायद इसलिए कह रहा हूं कि शायद इससे पहले इसी विषय पर राम बहादुर राय ने भी एक किताब लिखी है। लेकिन पहला सवाल ये किताब यही उठाती है कि नेहरू जी की सरकार उस समय जब ये पहला संशोधन हुआ उस समय वो चुनी हुई सरकार नहीं थी, भले ही उसका संवैधानिक अधिकार था क्योंकि संविधान सभा भी वही में भी वही लोग सदस्य थे, लेकिन संविधान लागू होने के 15 महीने के अंदर ही, 26 जनवरी 1950 और ये शायद मई के किसी मई संशोधन हुआ, 15 महीने के अंदर ही संशोधन करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र संविधान की जो मूल ढांचा था उससे अधिक महत्वपूर्ण था कि उसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ गई? प्रेस की बात आपने की है, प्रेस में आलोचना को लेकर के नेहरू को बहुत उदारवादी आज भी बताया जाता है और जाहिर है होंगे भी, लेकिन जिस बिंदु की तरफ, जैसे एक शंकर उनकी बहुत सारे कार्टून बनाया करते थे और उसकी बड़ी तारीफ होती है आज भी कि शंकर ने नेहरू को या आर के लक्ष्मण ने जिस तरह से नेहरू को दिखाया उसका कभी भी बुरा नेहरू ने नहीं माना, और उसको आज के सत्ता वर्ग से देख, मैं बार बार खांस रहा हूँ, माफ कीजिएगा, बहुत ही जुकाम से पीड़ित,
जी, तो ये जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि शंकर ने या बाकी लोगों ने जिस तरह से कार्टून्स, राजनीतिक सियासी कार्टून्स बनाए, उस पर नेहरू ने कभी उसका उसकी बात नहीं की, उस पर कभी बुरा नहीं माना। लेकिन आप मानिए कि प्रेस में अपनी आलोचना को लेकर के नेहरू उसको वैमनस्य मान रहे थे, बाद में उनके विशाल हृदय को लेकर के जैसे हमने कससे अब कहानियां सुनी है वो हुआ। अब उपेंद्र बख्शी ने इसी किताब में जिक्र है कि कहा कि ये दूसरा संविधान है, पहला संविधान जिसमें कतरव्योत करके ये जो बाद में नया आया उसको दूसरा संविधान कह दिया। आप प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, मैं आपको इसी किताब के आमुख में ही लिखा है कि एक सेकेंड, देशद्रोह का जो कानून है वो मूल संविधान में नहीं था, और भारतीय दंड संहिता की धारा 124A वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का उस की जो है अवशेष बताया गया उसको, और उसमें असहमति रखने वालों ने कहा, ऐसा कहा कि संविधान में इसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे, लेकिन इस संशोधन के जरिए उसको लाया गया और 1951 प्रचंड विरोध हुआ था उसका। इसलिए ये कहा गया कि जो संवैधानिक दायित्व है उसमें बार बार कतर विरोध करके, तो मैं ये मानता हूं कि नेहरू या और कम से कम ये किताब भी ये स्थापित करती है कि नेहरू उतने अधिक उदार नहीं थे अपने राजनीतिक जीवन में जितना उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। इसी तरह आरक्षण की बात मैं आपको एक बात और कह दूं, आप प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, नेहरू जी ने इस संविधान संशोधन के जरिए पेज नंबर 178 में इस किताब में लिखा कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का जो शुरुआत की जो शुरुआत हुई, हालांकि आरक्षण के बारे में आज बात करना बिल्कुल ही इश्निंदा सरीखा हो गया है, आप बात नहीं कह सकते इसके बारे में, लेकिन उस समय भी जब पिछड़े वर्ग को डिफाइन नहीं किया गया था कि जो अच्छे तरीके से कि कौन पिछड़ा वर्ग कौन है, आर्थिक रूप से पिछड़ा पिछड़ा है या सामाजिक रूप से भी पिछड़ा है, इस पर लंबी बहस हो सकती है बेशक, लेकिन आर्थिक आधार को नेहरू ने पूरी तरह हटा दिया और इसके और तभी उसी समय से इसी संशोधन से इस पिछड़ेपन का जो मानदंड हो गया वो पूरी तरह धर्म, जाति और समुदाय आधारित हो गया। तो सामाजिक पिछड़ापन जो है वो भारतीय सार्वजनिक जीवन की एक खास पहचान बन गया है, और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी निजी राय है, कि इससे जाति व्यवस्था कमजोर होने की बजाय और अधिक मजबूत होती गई। जी चलिए, तो आरक्षण को लेकर हम चर्चा करते रहेंगे, मैं फिर किसान जी आपकी तरफ लौटता हूँ। ये इस किताब की जो मूल ध्वनि है, जो पहले अध्याय में जो बात स्पष्ट होती है वो ये होती है कि कांग्रेस मई में पहले चुनाव 1951 में ही आम सभा चुनाव 1951 में ही होने थे, लेकिन उसको कांग्रेस ने 6 महीने के लिए टाल दिया। क्यों टाल दिया? क्योंकि वो अपने एजेंडे में भूमि सुधार, आरक्षण और राष्ट्रीयकरण, इन तीन पार्टी के इन तीन एजेंडों में से किस तीन एजेंडे में से किसी को भी लागू नहीं कर पाई थी, और चूंकि वो लागू नहीं कर पाई थी इसलिए जनता के बीच चुनाव में जाने से कांग्रेस कतरा रही थी, ऐसा त्रिपुर दमन सिंह ने लिखा है, और ये मुझे बहुत नई बात लिखी उस समय की राजनीतिक परिस्थिति, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं ऐसा बहुत कम लिखा गया है कि 47 से 1952 के दरमियान भारत की राजनीतिक स्थितियां क्या थी, भारत में कांग्रेस कितनी मजबूत थी, तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष था वो कौन था जो बहुत मजबूत था, क्या वो सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे, नेता थे, या दक्षिणपंथी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में थे कांग्रेस। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस किताब के बहाने आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर कांग्रेस क्यों कतरा रही थी जनता के बीच में 1952 के पहले आम चुनाव में जाने से, जबकि प्रचंड बहुमत से जीत कर कांग्रेस आई, और क्यों उसको ऐसा लगा कि 6 महीने टाल कर चुनाव को हम इस बीच में जो आवश्यक संशोधन है संविधान के वो कर ले और फिर हम चुनाव में जाएं। देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं कि हमें, मैं इसमें थोड़ा सा नेहरू को बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि उनको मैं पूरी तरह से आरोपित नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि 1947 में जब आजादी हुई और करीब करीब 2 साल से ज्यादा का समय लगा संविधान बनने में और फिर 50 में लागू हुआ, तो नेहरू, उनके मंत्रिमंडल और उनके साथी लोग जो थे, उनको ऐसा लग रहा था कि आजादी के बाद जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, मसलन भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, व्यक्ति की स्वतंत्रता भी आंदोलन में थी, और जो आरक्षण की सुगबुगाहट उठ रही थी तमिलनाडु से, ये सारी बातें उन्हें लग रहा था कि 4-5 सालों में स्वतः
स्फूर्त रूप से सेटल हो जाएगी और उसमें कोई अवरोध नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ कि अदालतों ने धड़ाधर उसके खिलाफ फैसले देने शुरू किए। मसलन पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के मुकदमे पर 12 मार्च को बिहार जमींदारी उन्मूलन एक्ट को स्ट्राइक कर दिया। उसमें ये कहा गया कि सरकार बिना आकलन किए हुए, बिना मुआवजा दिए हुए ऐसे आर्बिट्रेरी काम कैसे कर सकती है। नंबर एक, संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी राइट, जो कि फ्रीडम का अधिकार था, फंडामेंटल राइट। जी, तो कोर्ट ने कहा कि आप इसको कैसे छीन सकते हैं। यूपी में भी जमींदारी उन्मूलन एक्ट के साथ ऐसा ही हुआ। इसके अलावा बंबई में, महाराष्ट्र में एक बीड़ी उद्योग से संबंधित एक्ट आया था, जिसको कोर्ट ने स्ट्राइक कर दिया कि भाई आप जो है रोजगार हासिल करने के अधिकार को कैसे प्रतिबंधित कर सकते हैं। इसके अलावा आरक्षण के एक्ट को हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक कर दिया तमिलनाडु में, कि जाति के आधार पर आरक्षण आप एक सीमा से ज्यादा कैसे दे सकते हैं, बल्कि कुछ भी नहीं दे सकते। अब नेहरू के सामने बड़ी चुनौती थी कि एक तो उस समय की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन धीरे धीरे सिर उठा रहा था, जिसमें बहुत सारे अलगाववादी ध्वनियां भी मौजूद थी, और वो नस्ल के आधार पर राजनीतिक दल का गठन और उत्तर दक्षिण विभेद, हिंदी बनाम दक्षिण भारतीय भाषाएं, ब्राह्मण विरोध, तमाम एलिमेंट उसमें थे। और नेहरू के सामने एक चुनौती थी कि एक नवजात शिशु राष्ट्र को कैसे एक आम सहमति के रास्ते पे ले जाया जाए, नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस पार्टी की 20 साल से लगभग नीति थी कि भूमि वितरण और भूमि की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जो कि उनके सामने फलीभूत होता दिख नहीं रहा। अब उन्होंने खुद लिखा कि हमने संविधान एक बहुत ही उदात्त उद्देश्य से बनाया था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये वकीलों के चंगुल में फंस गई है। ये बात अलग है कि वकीलों ने ही बनाया था संविधान को। अब हालत यहाँ हो गया, यहाँ तक हो गया। आपने जो पूछा कि वे कौन से लोग थे जिन्होंने ऐसे प्रावधान जोड़े थे, उस दौर में बहुत सारे उदारवादी लोग थे, और भारत के संविधान के निर्माण में जो प्रेरणा मिली थी वो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, हर देश के संविधान से मिली थी, और उसमें पर्याप्त उदारवादी मूल्य थे जिसमें फंडामेंटल राइट, प्रॉपर्टी राइट और व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी बातें मौजूद थी। सबसे बड़े तो अम्बेडकर ही थे, जो कि फ्री ट्रेड और वैयक्तिक अधिकार के सबसे बड़े क्या कह सकते प्रवक्ता थे। लेकिन जब पटना हाईकोर्ट ने बिहार जमींदारी उन्मूलन एक्ट को स्ट्राइक किया, तो उन्हीं अम्बेडकर ने ये कहा कि नहीं नहीं, हमें ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि व्यक्ति के अधिकार और प्रॉपर्टी राइट को रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन के दायरे में लाना चाहिए। और नेहरू ने उन्हें कहा कि आप जल्दी से ऐसा कैबिनेट नोट बनाइए और अगले सेशन में उसे पारित करेंगे। तो ये कुछ द्वंद थे, जो कि इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ चुनावी लाभ के लिए किया गया था। इसके पीछे ये लेखक रिपुर दमन सिंह ने लिखा है कि ये तीन उद्देश्य थे जिसको कांग्रेस पार्टी हासिल कर किए बिना चुनाव में नहीं जाना चाहती। मैंने उनके हवाले से कहा, ये तो खैर सही बात है कि कांग्रेस जिस स्थिति में थी उसके हारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। नहीं, इसमें कांग्रेस पार्टी जब बिल ये पेश हो रहा था तंत्र में, तो नेहरू को यह भी संशय हुआ कि कहीं हमारी ही पार्टी के सांसद इसके विरुद्ध न खड़े हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे सांसद थे जो कि इन तमाम चीजों के खिलाफ थे। नहीं सुशांत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इसमें लेखक ने लिखा है कि जब व्हिप इस पे वोटिंग का जब समय आने वाला था, तो जब कांग्रेस संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, उसमें 77 सांसदों ने यह मांग की कि उन्हें अपनी इच्छा से मतदान करने दिया जाए। जी जी जी। और जो आदमी जो व्यक्ति सबसे मुखर होके इसके विरोध में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी नेहरू सरकार में मंत्री थे, लेकिन वो भारतीय जनसंघ के थे, उनकी बात रहने दी, लेकिन जो सबसे मुखर आलोचना संसदीय बहस में पहले संशोधन के समय नेहरू की जिस व्यक्ति ने की थी, वो आचार्य कृपलानी थे, और आचार्य कृपलानी कांग्रेस पार्टी से ही निकल कर बाहर आए थे। और आपको शायद ध्यान हो कि हमारे इलाके से, मिथिला के इलाके से, वो सांसद सीतामढ़ी, तो पुपरी लोकसभा क्षेत्र था शायद, या सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में प्रोफेसर भी थे, और उन्होंने सबसे मुखर होकर इसका विरोध किया था। नहीं, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आज की पीढ़ी को ऐसा लगता है कि भाजपा या आरएसएस
जो है अभिव्यक्ति के विरोधी हैं और इन्हीं के वजह से असहमति कुचली जा रही है, जबकि ये कानून में ये चीज जब व्यवस्थित की गई थी उस समय सरकार का मुखिया कोई और था, हालांकि परिस्थिति अलग थी और नेहरू सरकार ने संभवतः सबसे कटु आलोचना जो उनकी हुई वो प्रॉपर्टी राइट पे नहीं हुई या आरक्षण पे नहीं हुई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हुई। बंबई में कम्युनिस्टों को, बहुत सारे कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया गया था और आज उसे बॉम्बे मेंटेनेंस सिक्योरिटी मेंटेनेंस एक्ट के तहत और 8 महीना तक वो जेल में सर रहे थे, उन्हें कोई छूट नहीं दी रही थी और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंततः उसको रिहा किया। अब रिहा कर दिया तो सरकार के सामने सवाल ये था कि तेलंगाना में कम्युनिस्ट विद्रोह हो चुका था उससे पहले, अब उन्हें लग रहा था कि ये जो है सबसे बड़े दुश्मन हमारे यही है और इसके खिलाफ क्रॉस रोड ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी जो रमेश थापर चला रहे थे, जो रोमिला इतिहास का रोमिला थापर के भाई भी थे और पत्रकार करण थापर के चचेरे भाई भी थे। और इसी तरह की जो आलोचना थी प्रॉपर्टी राइट पे और आरक्षण पे जो ऑर्गेनाइजर कर रहा था उसको भी रोकने के लिए जो है उसी कानून अभिव्यक्ति स्वतंत्रता वाले कानून के दायरे में उसको भी नोटिस भेजी गई। ये मजेदार बात है कि लेफ्ट और राइट दोनों के मुखपत्र सरकार के विरोधी हो गए। सबसे दिलचस्प सुशांत जी, मंजीत जी, मुझे ये लगा कि जब संविधान को संविधान में संशोधन के लिए कांग्रेस विधेयक प्रस्तुत कर रही थी, उस पर बहस हो रही थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ जो आज के भाजपा की पूर्व का पूर्व दल है उसके जो नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो संसद में संविधान को बचाने का आह्वान कर रहे थे। ये बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रडिक्शन था कि जिस पार्टी से जी उस समय भारतीय जनसंघ, जब ये बहस चल रही थी संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि उस समय भारतीय जनसंघ का अस्तित्व नहीं था, जनसंघ शायद अक्टूबर 1951 में स्थापित हुआ था, मुझे ऐसा लगता है, एक बार चेक कर लेंगे अगर। हाँ उसका नहीं था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान को हाँ। जिस संविधान आज फिर से वही बहस है 75 साल 70 साल 75 साल बाद संविधान को बचाना है। हमारी धारणाएं जो है, हम लोग कई बार क्या करते हैं, जो हम जो धारणाएं मन में बनाते हैं वो तथ्यों पर भारी पड़ जाती है। जैसे कि हमारे मन में बचपन से, मैंने एक कहानी का जिक्र किया था कि हम एक ये मानते हैं कि नेहरू बहुत उदारवादी थे और उनके एक शासन चलाने के लिए, जैसे जैसे सुशांत ने कहा कि हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं क्योंकि उस जमाने की, उस समय की राजनीतिक क्या परिस्थितियां रही हो। लेकिन जैसा इस किताब में जिक्र है और आपको थोड़ा सा, और हमको लगता है इस बारे में और अधिक ऐतिहासिक पुरुषों के साथ, खास करके जब नेहरू जैसे व्यक्ति हों जिन्होंने देश के भविष्य को और वर्तमान को एक दिशा दी और एक उस जो भी दशा भी दी, दशा और दिशा तय की उन्होंने, तो आत्मश्लाघाग्रस्त भी हम कह सकते हैं, भारी बड़ा आरोप हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष के प्रति उनके मन में एक तिरस्कार का भाव था और ऐसा लिखा भी है त्रिपुर दमन ने, लेकिन उनको अपनी श्रेष्ठता पर क्या अंग्रेजों की तरह, मैं ये पूछ रहा हूँ या बता दे रहा हूँ कि अपनी श्रेष्ठता पर क्या अंग्रेजों की तरह बहुत ही आत्ममुग्धता का भाव था कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, क्या उन्होंने एक रास्ता ये तय नहीं कर दिया कि जो अदालतें हैं, अदालतों के जो निर्णय है, जो फैसले हैं उसको निरस्त करने के लिए संसद को सामने ले आया जाए, जिसका प्रतिफल हम बाद की सरकारों में देखते हैं कि अदालतों ने कुछ और निर्णय दिया और संसद ने उस पर कुछ और कानून बना दिया क्योंकि जिसकी सरकार है, जिस मतलब उसने अपने फैसले को आगे कर दिया। क्या हम नेहरू के इन्हीं कदमों का जो है दृष्टांत दे करके आगे शाहबानों तक नहीं जाते हैं? तो हम ऐसे कैसे मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट बेशक दे सकते हैं, लेकिन उस पर अगर चर्चा नहीं करेंगे तो कोई भी राजनीतिक, कोई भी सियासी चर्चा अधूरी रहेगी। जैसे एक 9वीं सूची का सुशांत भी जिक्र कर रहे थे कि अगर कोई भी ऐसा कानून बनाना हो जिसको अदालतों से, उसकी न्यायिक समीक्षा से दूर करना हो तो उठाकर 9वीं अनुसूची में डाल दो। ये इस आधार पर नेहरू के काम की, उनके फैसलों की समीक्षा की जानी चाहिए कि उन्होंने जो तय कर दिए, जो मानदंड तय कर दिए उसका पालन करते हुए बाद की सरकारों ने बहुत सारे फैसले ऐसे किए, बहुत सारे काम ऐसे किए जो बड़ी आलोचना का या बड़े सियासी परिणाम लेकर के सामने आया। तो उस आधार पर बेशक आलोचना होनी चाहिए।
अब जैसे राष्ट्रपति को लेकर के पद को लेकर के राजगोपालाचारी को शायद बनाना चाह रहे थे, उस पर भी इस तरह की जो फैसले हैं उसके रीजंस जो भी हों, जो भी कारण रहे हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मौलिक अधिकारों को लेकर के उनके विचार अलग थे। मौलिक अधिकारों को से बड़े वो संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व उनको मानते थे, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में ये भी कहा गया है कि भाई एक समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना चाहिए। नेहरू ने जो कर दिया उसको दोबारा कभी उसको अंडू करने के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। अपने जो भी इसको अगर हम अनुदार विचार कहें, मैं फिर एक ऐसा वर्ड कह रहा हूं जिसको आप बोल्ड में दिखा सकते हैं कि नेहरू के जो अनुदार विचार थे, उदारवादी नेता के भी अनुदार विचार हो सकते हैं, उसको उन्होंने तर्कसंगत बनाने की बहुत सारे तर्क दिए उसके पीछे। उन्होंने मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांसीसी क्रांति के अवशेष हैं मौलिक अधिकार, तो जिन जिन चीजों से उनके सत्ता चलाने की राह या उनके पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको लागू करने की राह में रोड़े नजर आ रहे थे, उसको आसान करने के लिए सही या गलत इस संशोधन को उन्होंने किया। मैं आपकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो उसमें ये हो सकता है कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, जो पार्टी के अंदर जो डेमोक्रेसी थी कांग्रेस पार्टी की, उसकी भी कुछ परतें उधेड़ने की कोशिश त्रिपुर दमन सिंह ने इस किताब में की है, जैसे नेहरू बनाम पटेल कुछ पत्रों के हवाले दिए हैं। और एक बड़ा उदाहरण जो उन्होंने दिया है कि किस तरह से पुरुषोत्तम दास टंडन को नेहरू की इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था और उनको एक साल के अंदर अपना पद छोड़ना पड़ा था। 3 साल का पद था वो, 3 साल के लिए वो अध्यक्ष चुने गए थे या 2 साल के लिए, लेकिन उनको 1 साल के अंदर अपने पद से इसलिए हटना पड़ा था क्योंकि वो नेहरू के विचारों के माकूल नहीं थे। नेहरू ने उनके स्थान पर किसी और को अध्यक्ष बनवाया था। और ये सब शायद तब हो पाया था जब पटेल बड़े बीमार रहने लगे थे। इस पूरे संशोधन की प्रक्रिया के दौरान किताब में बार बार जिक्र आता है कि मुंबई में वो बीमार हैं और वो पत्र लिख रहे हैं। तो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की किस तरह से नेहरू ने पार्टी के ऊपर पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाई और पार्टी में जो उनके विरोधी, जो उनके विचारों से सहमति नहीं रखते थे, उनको जाना पड़ा सरकार से भी। हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे आचार्य कृपलानी की, जो उनकी सरकार से निकल कर उनके सबसे कटु आलोचक बने। और दुर्भाग्य की बात है कि इस पहले संशोधन को लागू करने में कानून मंत्री के रूप में भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बड़ी महती भूमिका निभाई, लेकिन इस संशोधन के लागू होने के 2 महीने बाद उनको भी, वो भी नेहरू के कटु आलोचक उनसे अलग हुए और उनके कटु आलोचक हो गए। तो नेहरू की कई छवियों को ये किताब, लेकिन मूल रूप से मंजीत जी मैं ये कहूँगा कि ये किताब नेहरू के छवियों को, बनी हुई छवि को तोड़ने के लिए लिखी गई है या संविधान के पहले संशोधन को की परिस्थितियों के बारे में लिखी गई है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। मुझे लगता है कि अगर इस किताब में कोई एक लाइन पकड़ के चलते तो मुझे ऐसा लगता है कि किताब और अधिक उपयोगी होती। इसमें दोनों ही तथ्य हैं, इसमें नेहरू की जो उदारवादी छवि है जिसको लेकर के लोग कसम खाते हैं उसको तोड़ने की भी काफी जो है मुझे लगता है कि कोशिश की गई है कि नेहरू उतने उदारवादी नहीं थे जितने उनको माना जाता है, एक तथ्य है। दूसरा ये कि संविधान संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्या पड़ गई, उसको और अधिक राजनीतिक तरीके से, अगर जैसा हम कह रहे थे और अधिक राजनीतिक और अधिक तथ्यात्मक तरीके से, तथ्य इसमें बहुत पूरे हैं और पूरे रेफरेंसेस के साथ है, तो ये संदर्भ किताब तो है लेकिन इसके राजनीतिक झुकाव से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक झुकाव से, सुशांत जी देखिए मेरा ये कहना है कि इसमें 2 एंगल हैं कि एक बात सही है कि नेहरू को ये संशय था कि 52 में जो चुनाव होंगे 51-52 में उसमें हो सकता है कि उनको उतना बहुमत ना मिले कि या गठबंधन टाइप की सरकार आ जाए कि वो अपने कांग्रेस पार्टी का जो पुराना एक घोषणा पत्र एजेंडा था या मंतव्य था पिछले 20-25 सालों से उसको वो लागू ना कर पाए। उन्हें एक भय तो था और वो ये देख रहे थे कि 5 साल से किस तरह से अदालतों में अटका हुआ है। और एक मैंने पहले भी कहा कि एक नवजात शिशु राष्ट्र जो कि उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। पैट्रिक फ्रेंच और ये विलियम डेवलपर भी लिखते हैं कि नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो ये लोग चूंकि सत्ता में रहने के अनुभवी नहीं थे तो बार बार माउंटबेटन
का की तरफ देखते थे कि फैसले कैसे लिए जाएं, और कई कई क्रूशियल मसलों पे उसकी राय लेते थे और उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि वो अपनी बातों को रख सके। उन्हें ऐसा लग रहा था नेहरू को कि ये जो सुधार है अगर लंबित रह गए तो एक एक राष्ट्र का स्वप्न जो है वो खंडित ही रह जाएगा। इसलिए उन्होंने उस समय उसको, भले ही वो अभी के काल में बहुत दमनकारी लगता है, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि इसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के दायरे में लाया जाए, खास करके जो आरक्षण वाला मसला था और जो प्रॉपर्टी राइट, इंडिविजुअल राइट वाला मसला था, वो सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता से जुड़े हुए चीज थी। उस पर जो है सो हम आज के डेट में 2022 में अगर सोचते हैं तो एक काफी यूनिफाइड और काफी सशक्त देश बन चुका है, जहां आप हाईवे, इंटरनेट और मिलिट्री सबसे बहुत ही 3.5 बिलियन GDP डॉलर में आप घुस चुके हैं। लेकिन 1951 में जो हालात थे, 2 करोड़ शरणार्थी, देश का विभाजन, भयानक दंगे और राष्ट्रपिता की हत्या, ये 2-3 साल पहले हो चुकी थी। और ऐसे हालात में अगर आने वाले चुनाव में सरकार को बहुमत ना मिलता तो तमाम सुधार जो है वो ठंडे बस्ते में चले जाते, तो न तो जमींदारी उन्मूलन एक्ट लागू हो पाता, न ही आरक्षण की मांग जो तमिलनाडु से उठी थी उसका शमन किया जाता, तो देश फिर किस दिशा में जाता ये कहना मुश्किल था। इसलिए नेहरू को जज करते समय हमें थोड़ा सा रिलीफ नहीं देना चाहिए। मंजीत जी, लेकिन आपने भी इस किताब को बहुत ध्यान से पढ़ा है। नेहरू के इस तमाम, इस पूरे संशोधन के दौरान जितने भी उनकी बहसें, सबसे ज्यादा मैंने देखा कि राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल संशोधन होने के बाद भी चूंकि उनको हस्ताक्षर करना था, और एक जगह ऐसा प्रसंग भी आता है कि बिहार के भूमि सुधार कानून को लेकर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने में समय लगा देते हैं, तो नेहरू जी का पत्र जाता है कि अभी तक आपने हस्ताक्षर किए नहीं है, तो उनको याद दिलाते हैं कि राष्ट्रपति का काम है हस्ताक्षर करना मंत्रिमंडल के निर्णय पर। तो और लेकिन मैंने देखा कि राजेंद्र प्रसाद लगातार इस संशोधन के बारे में अपनी, उनकी राय को लेखक लिख रहा है, बार बार उद्धृत कर रहा है। राष्ट्रपति, वो खुद बहुत बड़े वकील थे, वो लगातार इससे असहमत थे। पटेल जो बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, वकील थे, वो भी लगातार इससे अपनी असहमति जता रहे थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब था। तो आखिर कांग्रेस के अंतर्गत मुझे एक बात जो है मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझे मतलब नेहरू के महानता से मुझे कोई ये नहीं है कि मैं दो राय रखता हूँ। बहुत महान व्यक्ति थे, बेशक देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनकी चरण वंदना तो आज भी 70 साल भी बाद भी की ही जा रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब नेहरू को लेकर के, जैसे वो ना अपने आप को, मुझे लगता है कि जैसे बाद में शायद बरुआ जी ने कहा कि इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, वो भाव उनके मन में पहले से था। मैं बहुत कटु आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं कि शायद मनोविज्ञान के अंदर कहीं ना कहीं था कि नेहरू इज इंडिया, और इसलिए वो चाहे सोमनाथ मंदिर का मसला हो बाद में, या फिर ये कि भाई राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए वो नेहरू तय करेंगे, और नेहरू बार बार उसको, उनको याद दिलाते हैं कि ऐसा करना चाहिए। राजनीतिक रूप से ये बेशक ये फैसले लिए गए कि कैसे होगा और क्या होगा और कैसे उनको साइन कर देना चाहिए, उनको याद दिलाया गया, और वो ये जो फैसले लिए गए हैं वो बेशक राजनीतिक रूप से सरकार के काम को और अधिक आसान बनाने के लिए कि भाई राजद्रोह, लेकिन राजद्रोह कानून और प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात जो कह रहे हैं, अगर ऐसे ही फैसले, आप थोड़ी देर के लिए ये भी मान लीजिए कि अगर आपकी ही सरकार, मान लीजिए कि देवेगौड़ा की सरकार थी और देवेगौड़ा को खुद को भारत रत्न देने की सिफारिश, जाहिर है वो कैबिनेट करती है, वो कर दें, तो आप देवेगौड़ा को क्या कहते? या अब अगर, या इंदर कुमार गुजराल की सरकार, ध्यान दीजिए मैं 2014 के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देवेगौड़ा, गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहा हूँ, उनकी सरकारें अगर ऐसा फैसला करती तो अब जाहिर है कहते कि इनका राजनीतिक रूप से जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, और उन्होंने अपने आप को, जैसे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह पर ये हमेशा ये आरोप लगता है कि उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। ये आरोप आज भी लगता है कि राजा मांडा ने अपने पद को बचाने के लिए या अपने राजनीतिक जमीन को पुख्ता करने के लिए वो कार्ड खेल दिया।
हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई हम तो कह रहे हैं कि नहीं नेहरू जी को हम छूट देंगे क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां उस समय खराब थी। आप राजनीतिक आप 2014 के बाद अचानक कहने लगते हैं कि देश में असहिष्णुता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संकट है, कुछ नेता अभिनेता कहते हैं कि हम तो बाहर चले जाएंगे, देश छोड़कर चले जाएंगे। उस जमाने में जबकि 4 साल हो गए थे आजादी को, 47 में आजाद हुआ भारत, 51 की बात है, 4 साल ठीक होते हैं, अच्छे खासे 4 साल। अब 2014 की बात में 2018 में कहते हैं ना असहिष्णुता है, आप अवार्ड वापस करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये छूट उठ देने की बात ना, ये तो बस हम इसलिए कि चलो यार हम पे ये आरोप न लगाए कि ये आदमी ना नेहरू की आलोचना कर रहा था, इसको कल पत्थर मारेंगे। आलोचना के दायरे से कोई भी बाहर नहीं है, नेहरू भी नहीं है। हम तो उस विरासत, हम तो उस संस्कृति के है ना कि हम तो अपने देवताओं तक को दंड देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं प्रभात जी? हम तो कहते हैं कि चांद चंद्रमा जो है जो औषधियों का देवता है, उसको बृहस्पति की पत्नी तारा से प्रेम हो गया, कैसे हो गया गुरु की पत्नी से, उसको दंड दो, हम कहते हैं ना। तो हम नेहरू को कैसे माफ कर देंगे? माफ मतलब हमने यहाँ कौन सा उस पर अदालत में मुकदमा चलाना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ इसलिए किसी को छूट नहीं दी जा सकती कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां बहुत मुश्किल थी। हम बात में चर्चिल को का उदाहरण देते हैं ना, चर्चिल तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री बना था जब दुनिया एकदम लड़ाई के मतलब बम पे बारूद पे खड़ी थी, देश को निकाल के लाए कि नहीं। तो हम चर्चिल का उदाहरण देते हैं, नेहरू ने खुद को भारत रत्न दिलवाया, आप नहीं हंसेंगे मैं हंसता हूं। आज अगर नरेंद्र मोदी खुद को भारत रत्न के लिए अपना नाम आगे कर दे, आप क्या कहेंगे? आप तो सोशल मीडिया फेसबुक रंग देंगे महाराज। लेकिन ये है मंजीत जी, पहले प्रधानमंत्री थे और राष्ट्र निर्माता थे। अरे राष्ट्र निर्माता ये तो हम कह रहे, तो अगर आप प्रभात रंजन ये कह रहे हैं कि नेहरू राष्ट्र निर्माता थे, तो मंजीत ठाकुर को ये कहने की छूट होनी चाहिए कि उन्होंने कुछ अनुदार फैसले लिए, और उन अनुदार फैसलों में से एक फैसला ये था कि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रेस से कहा कि ये वैमनस्य पालता। मैं आपको प्लीज नेहरू अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बची हुई है इस पे। फिर मुझे नेहरू का ये किस्सा याद आ रहा है कि नेहरू की यात्रा पे थे तो अपनी गाड़ी से उतरे तो एक महिला ने, वृद्ध महिला ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि इस आजादी से हमें क्या मिला। तो नेहरू जी ने कहा था कि यही मिला कि तुम अपने देश के प्रधानमंत्री का हाथ पकड़कर उससे पूछ सकती हो कि हमें क्या मिला, ये अधिकार इससे पहले तुम्हें नहीं मिला था। नेहरू की चाहे चिंता उस जनतंत्र को बनाए रखने की थी, और उनको शायद ये डर था जो इस किताब में दूसरे नायक की तरह, मैंने पहली बार किसी किताब में, मेरा इस पे कभी ध्यान ही नहीं गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर जब भी लिखा जाता है तो यही लिखा जाता है कि कश्मीर में मर गए, कश्मीर के लिए आंदोलन करते हुए वहां जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। इस पे कभी लिखा ही नहीं गया कि वो संसद में कितना अच्छा, कितने अच्छे वक्ता थे, कितने कितने अच्छे संसदीय बहस में वो कितने ज्यादा मुखर थे। और इसमें तो बल्कि लेखक ने, त्रिपुर दमन सिंह ने लिखा है कि दो सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं के बीच में बहस हो रही थी, नेहरू के साथ उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उसी स्तर का वक्ता घोषित किया। इस पे बातचीत करने से पहले एक सूचना मैं सभी देखने सुनने वालों को बता दूं कि आज की इस बातचीत में लेखक त्रिपुर दमन सिंह स्वयं भी उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन वो लंदन में रहते हैं और वहां से दूसरे शहर पेरिस की यात्रा पे है, और इस बीच में उनको इंटरनेट का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो उपस्थित नहीं हो पाए, और इसके लिए वो हम सब लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। फिर से हम उसी बातचीत पे आते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व पे अगर कुछ रोशनी डाल सकें, सुशांत जी, मंजीत जी, आप क्या जान, उस समय की परिस्थितियों में उनका क्या महत्व था? आखिर अगर ये सारा डर था नेहरू के अंदर कि वो चुनाव में उनको बहुमत नहीं आ सकता है, कम सीटें आ सकती, हारने का तो डर नहीं रहा होगा मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर ये डर था तो इसके पीछे एक ही नेता था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रसंगों को इस किताब ने खोला है, इसलिए मेरी दिलचस्पी हुई कि उनके बारे में, उस काल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में क्या राय बनती है। इससे पहले मैं एक चीज याद दिला देना चाहता हूँ कि जब आपने राजेंद्र प्रसाद जब टाइम ले रहे थे कि इस बिल को, तो प्रत्यक्ष कारण तो यही था कि वो ये दर्शाना चाहते थे कि ये संसद चुनी हुई संसद पूर्ण रूप में नहीं, अंतरिम संसद है, जो संविधान निर्मात्री संसद थी उसी से काम चलाया जा रहा था। चुनाव तो 51 के आखिर में और 52 में हुए थे, लेकिन इसके पीछे एक जाति मसला भी था। कामेश्वर सिंह दरभंगा का महाराज, जिन्होंने पटना हाईकोर्ट में रिट दिया था, वो उनके व्यक्तिगत मित्र थे और गाढ़े मित्र थे, और कामेश्वर सिंह के पक्ष में ये फैसला आया था
कि जमींदारी उन्मूलन जो है वो सरकार एक बार की एक झटके में नहीं कर सकती है, जब तक कि पूर्ण रूप से मुआवजा और पूर्ण रूप से संपत्ति का आकलन न किया जाए। एक तो एंगल ये भी था कि वो चाहते थे कि टाइम बाय करे तब तक चुनाव हो जाए, और नेहरू सरवरी में थे। दूसरी बात यह भी थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी उस समय, उसी के अंदर बहुत सारे बाम झुकाव के लोग भी थे, दक्षिण झुकाव के लोग भी थे, मध्यम मार्ग भी थे, उसमें नेहरू को आप सेंटर टू लेफ्ट रख सकते हैं। तो उस हिसाब से राजेंद्र प्रसाद जो कि पटेल के खेमा के थे, उन्हें सेंटर टू राइट आप मान सकते हैं। और पटेल की असामयिक मृत्यु हो गई, इस वजह से नहीं तो राजनीतिक परिदृश्य हो सकता है कुछ और भी होता। पटेल ने राजगोपालाचारी की जगह राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनवा दिया, पटेल ने पुरुषोत्तम दास टंडन को जो विरोधी थे और हिंदूवादी रुझान रखते थे उनको पार्टी अध्यक्ष बना दिया। पटेल ने सोमनाथ की स्थापना में की शुरुआत कर दी, और पटेल की जब मौत हो गई तो राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ के उद्घाटन में चले गए नेहरू के रोकने के बावजूद। इस पे नेहरू ने अप्रसन्नता जाहिर की, हालांकि वहां पे जाके उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे नेहरू को असहजता हो, उन्होंने वहां शांति की बात की, गांधी की बात की और दोस्ती की बात की। खैर, उस बीच में एक प्रसंग और हुआ कि हिंदू कोड बिल जो पास होने वाला था उसको बार बार अड़ंगा लगाया राजेंद्र प्रसाद ने, और ये कहा कि आपकी जो पार्लियामेंट है वो चुनी हुई नहीं है, इस देश की हिंदू जनता के बिहाफ में, पूरे हिंदू समाज के बिहाफ में ये छोटी सी संसद जिसको 10-20% लोगों ने चुना है वो कैसे इतना बड़ा फैसला ले सकती है। और डॉक्टर अंबेडकर जो कानून मंत्री थे वो चाहते थे कि हिंदू कोड बिल जल्दी से पास हो, जिसमें कि कई सारे कानून थे, और वो राजेंद्र प्रसाद के होते हुए संभव नहीं हो रहा था। और राजेंद्र और डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे की एक बहुत बड़ी वजह यही थी कि नेहरू सरकार राजेंद्र प्रसाद पे वो दबाव नहीं डाल पा रही थी, और जिस वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने आखिरकार मंत्रिमंडल छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि मूल संविधान में तो ये लिखा था कि भाई सरकार जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगी, उसे इंदिरा गांधी ने 1976 में बदला करके कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य होगा। 1947 यानी 1950 से लेकर के 1976 तक भारत की सरकार जो थी वो राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर थी, यानी राष्ट्रपति चाहता तो उसे बर्खास्त कर सकता था और कानून सुप्रीम कोर्ट उसे अपहेल करता। तो उस समय नेहरू भी उस स्थिति में नहीं थे कि राजेंद्र प्रसाद को दबाव डाले कि भैया तुम साइन ही करो। राजेंद्र प्रसाद ने जमींदारी वाले बिल पे शेड्यूल लाइन वाले पे कर दिया, लेकिन अगर वो चाहते तो उसे लटका सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि नेहरू जो काम कर रहे हैं वो व्यापक लोकहित में है और ये पब्लिक डोमेन में है। नेहरू का व्यक्तित्व था, गांधी ने उनको अपना बारिश घोषित किया था, इसलिए राजेंद्र प्रसाद भी एक सीमा से ज्यादा नहीं उस चीज को खींचना चाहते थे। ये उस जमाने की दक्षिण पंथ और वामपंथ की बड़ी ही सूक्ष्म और महीन लड़ाई थी, जो आजकल के जमाने में बहुत विभत्स हो गई है, कुरूप हो गई है, कि यहाँ पे आप अगर कोई चीज बोलते हैं तो आपको खट से वामपंथी या मान लीजिए दक्षिणपंथी करार दिया जा सकता है, लेकिन उस जमाने में ऐसी बात नहीं थी। दूसरी बात कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हालांकि वो बहुत दिन जीवित नहीं रहे, लेकिन वो दक्षिण पंथ के बहुत बड़े पिलर थे, जनसंघ के संस्थापक थे, हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष रहे, लेकिन उस जमाने के जो दक्षिण और वाम थे लोग थे अपने अपने निष्ठा में, अपनी इंटेग्रिटी में, अपने वक्तव्यों में बहुत ही उच्च स्तर के लोग थे। एक बात तो थी कि उस समय जितने भी लोग थे, जितने भी नेता थे, सभी दलों के नेताओं के सामने राष्ट्रवाद का लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, सभी दल अपने अपने मूल विचार में राष्ट्रवादी थे। आज की तरह नहीं था कि केवल एक दल ने ही राष्ट्रवाद का जिम्मा उठा लिया है, बाकी सारे दल उसका विरोध कर रहे हैं। एक चीज मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, बीच में आप लोग बात कंटिन्यू कर लीजिए। उस वक्त जब ये संविधान संशोधन हुए थे या पहले इलेक्शन, पहले राष्ट्रीय चुनाव होने वाले थे, उस समय तक किसी को मुगालता विपक्ष में जो थे उनको ये मुगालता कहीं कतई नहीं था कि वो जीत करके सरकार बना सकते। सबको पता था कि नेहरू ही जीतेंगे, और विपक्ष की कोशिश यही थी, या जो भी कांग्रेस के अंदर जो नेहरू के विरोधी लोग थे उनकी एक कोशिश थी कि विपक्ष
का स्वर भी इतना मजबूत हो कि सदन के अंदर उसकी बात सुनी जाए। अगर आप अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना जब होती है उसकी बात अगर करें, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय जो सरसंघ चालक थे संभवतः गोलवलकर जी थे, उन्होंने और मुखर्जी के बीच का एक संवाद है, अभी मैं किसी किताब में पढ़ रहा था, उनमें कहा गया है, स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस पार्टी, जो भी संभावित पार्टी है जिस पर, चूंकि गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पे प्रतिबंध लगा था, तो आरएसएस ऐसे किसी की बात शायद सुनी नहीं गई थी। तो इस चिंता को जाहिर करते हुए ये कहा गया कि एक राजनीतिक स्वर तो होना चाहिए, एक राजनीतिक आवाज तो देश में होनी चाहिए। तो क्या दो कदम थे, दो उनके पास विकल्प थे। पहला विकल्प ये था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद को एक राजनीतिक दल में बदल ले, या उसका एक राजनीतिक विंग भी, उसकी एक शाखा होनी चाहिए। तो जो भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई उसमें जोर देकर कहा गया कि इसमें हिंदू या बाकी ऐसे कोई नाम न रखें, उसमें भारत का नाम जरूर होना चाहिए। तो जैसा प्रभात जी कह रहे थे कि एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण सभी दलों में था, और वो चाहे कोई भी दल हो, वो चूंकि हो सकता है कि उस जमाने की या उस समय की जो का जो आदर्शवाद था वो अधिक महत्वपूर्ण था लोगों के लिए, या अगर स्वतंत्र पार्टी भी बनी या कोई भी पार्टी अगर का जो गठन हुआ कांग्रेस से अलग होकर के, कांग्रेस के अम्ब्रेला से अलग होकर के, तो भी वहां पर हम देखते हैं कि उनमें राष्ट्रवाद था। और एक ऐसी नेहरू ने भी एक समावेशी दृष्टिकोण तो थोड़ा दिखाया ही इस मामले में कि वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनकी सरकार में मंत्री बने, तो शायद खाद्य और आपूर्ति मंत्री थे मेरे ख्याल से, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। अच्छा, एक प्रश्न आ रहा है कि कृपया स्पष्ट करें कि इस किताब में कोई एक एंगल नहीं लिया गया है, इसका अर्थ क्या है? इसका अरुणाम जी, इसका अर्थ ये है जो हम लोग शायद उसमें बात कर रहे थे कि संविधान संशोधन को लेकर के एक तो या तो पूरी तरह वही किताब नहीं है कि संविधान संशोधन के आसपास ही घूमती रहे, जिसके इर्द गिर्द की घटनाएं तथ्यात्मक तरीके से बहुत सारी किताब होती है, ऐतिहासिक किताब है जिनको आप यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उसको पढ़ करके उसका एग्जाम दे सके, उस तरह की किताब नहीं है। दूसरा, राजनैतिक रूप से झुकाव जो हमने कहा था प्रभात जी और रामा सुशांत तो शायद इस पर नहीं करेंगे टिप्पणी, लेकिन मैं और प्रभात जी इस पर टिप्पणी करेंगे कि ये राजनीतिक रूप से थोड़ा इंक्लाइंड है। ये बुक, पूरी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें एक राजनीतिक दृष्टि है, और जब आप पूरी किताब पढ़ेंगे तो जो निचोड़ हासिल होगा तो उसका कलर थोड़ा थोड़ा ऑरेंज टाइप का होगा, ये मैं कह रहा था। बिल्कुल। अब दूसरी चीज, लेकिन ये इस चीज में एक सकारात्मक बात भी ये छुपी हुई है मंजीत जी, कि इस किताब ने इतने सारे सूत्र दे दिए हैं जिनको और पढ़ने और चीजें पढ़ने की इच्छा जागृत हो गई। जैसे मेरे अंदर इस किताब को पढ़ के नेहरू के बारे में जो राय है वो तो शुरू से स्पष्ट है लेखक की, कि वो क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं और किस तरह से नेहरू को किस दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक अलग छवि उभर कर आई, क्योंकि जब वो संविधान को बचाने का आह्वान देश के सांसदों से संसद लोकसभा में कहते हैं कि भाई ये संविधान को बचाने का समय है, तो मेरी बड़ी दिलचस्पी कि अच्छा, ये भाजपा मतलब भारतीय जनसंघ या हिंदुवादी रुझान का कोई नेता एक समय में संविधान को बचाने की दुहाई दे रहा था, और उसके सामने कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता, देश का सबसे सशक्त प्रधानमंत्री जो बिल पेश कर रहा था, देश के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर के माध्यम से वो देश विरोधी हो रहा था। मैं एक चीज और आपको दिलचस्प चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा प्रभात जी, जब आप 1989 में पालमपुर में, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ, तो वहां जो राजनीतिक संकल्प पारित प्रस्ताव पारित किया गया उसमें सिर्फ एक बार हिंदू शब्द का उल्लेख है, और उससे पहले कहीं भी मंदिर या हिंदू का उल्लेख उस तरह से नहीं है जिसके आधार पर आप, उससे पहले हिंदूवादी धार्मिक या राजनीति करने का पूरा ठेका कांग्रेस ने उठा रखा था, और उसने भारतीय जनता पार्टी ने उस पर आरोप भी लगाया था कि आप हिंदूवादी राजनीति कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस बारे में किताब है, मैं उसका जिक्र करूंगा इस बारे में। 1948 की घटना महात्मा राष्ट्रपिता की हत्या के बाद से जनसंघ और दक्षिण धारा के दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि उससे अपने आप को कितना दूर करें और उस दक्षिणपंथी राजनीति से अपने आप को एक ऐसे दल के रूप में पेश करें जिस पर वो आरोप न लग सके कि महात्मा गांधी की हत्या में इनका भी हाथ था। इसमें
श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला जो प्रकरण है उसपे अभी एक हाल में आई है किताब मधुसूदन गुप्ता और राजीव मंत्री की, द न्यू आइडिया ऑफ इंडिया। वो किताब जाहिर है नाम से ही स्पष्ट है कि सुदीप खिलनानी की जो किताब है आइडिया ऑफ इंडिया, उसका एक रिवर्टल है या एक प्रत्युत्तर टाइप का है। और ये किताब दक्षिण पंथ की ओर झुकी हुई है। और इस किताब में जो एक प्रमुख आधार है वो इंडिविजुअल राइट्स का है, व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो कलेक्टिव राइट से ऊपर होना चाहिए, इस किताब की स्थापना है। और दरअसल इसी बात की लड़ाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी लड़ रहे थे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है, जो जमींदारी उन्मूलन एक्ट और फ्रीडम ऑफ प्रेस पे जो हमला किया था नेहरू सरकार ने, वो दरअसल दक्षिण पंथ के शुरुआती प्रिमाइस जो थे कि व्यक्तिगत राइट्स होने चाहिए। उस समय तक मंदिर या हिंदू तमाम चीजें जो है वो परिदृश्य में नहीं आई थी, जैसा कि मंजीत ने कहा कि पालमपुर अधिवेशन में ये चीजें बाद में आई और 1989 तक इसका जिक्र नहीं था। 1951 में जो दक्षिण पंथ था जो आकार ले रहा था, उस समय जो ऑफिशियल दक्षिण पंथ था, गांधी हत्या की बात ना करें क्योंकि वो बहुत विवादास्पद चीज है, उसमें इंडिविजुअल राइट पे फोकस कर रहे थे कि प्रॉपर्टी का राइट या व्यक्तिगत राइट या फ्रीडम का राइट जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए बजाय कि कलेक्टिव राइट के। अब कलेक्टिव राइट वाली जो चीजें हैं वो थोड़ा सा बाम झुकाव की तरफ ले जाती है कि क्या व्यक्ति के राइट के ऊपर किसी समूह का राइट हावी होगा या व्यक्ति का राइट सर्वोपरि होगा। अब इंडिविजुअल राइट की बातें सबसे ज्यादा वेस्ट में होती है अमेरिका में, फ्रांस में, जहां कि व्यक्ति को यह माना गया है कि व्यक्ति की आजादी के लिए पूरा स्टेट जो है सो जोर लगा देगा। और वामपंथी समाज में यह होता है कि एक व्यक्ति के राइट की कुर्बानी दी जा सकती है सामूहिक राइट की, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी दरअसल उसकी लड़ाई लड़ रहे थे और पार्लियामेंट में वो उसी की आवाज उठा रहे थे, जो बाद में वो विकृत होता गया और बीच में तो फिर मंदिर और तमाम चीजें उसमें घुस गई, लेकिन फिर से अब जो भारतीय दक्षिण पंथ है वो वैयक्तिक राइट की दिशा में मुड़ता जा रहा है, जिसका ताजा उदाहरण हाल में अश्विनी उपाध्याय का सुप्रीम कोर्ट में वो रिट था जिसमें कि अलग अलग राज्यों में उन्होंने हिंदुओं को अल्पसंख्यक मानने की मांग की है, ये वैयक्तिक राइट भी है। और इस तरह के हिंदुवादी ग्रुप जो है रिक्लेम हिंदू टेंपल जैसा आंदोलन चला रहे हैं, वो वैयक्तिक राइट भी है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बात कर रहे थे 1951 में, दरअसल वो बहुत महीन तरीके से उसका बीजारोपण कर रहे थे। यही इस किताब की बहुत बड़ी मुझे लगता है उपलब्धि है कि इसने बात भले नेहरू की करते हैं त्रिपुर रमन सिंह, लेकिन बड़ी प्रमुखता से उभार कर सामने जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व लाते हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। और इसीलिए किताब के शीर्षक में लिखा हुआ है नेहरू, नेहरू मुखर्जी और संविधान का पहला संशोधन। ये मुखर्जी प्रणव मुखर्जी नहीं है, ये मुखर्जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही है, जो उस समय समूचे जो विपक्ष था कांग्रेस के अलावा जो विपक्ष था उसके एक तरह से लेखक ने औपचारिक नहीं लिखो कि तब तक वो पहला निर्वाचित संसद नहीं था, इसलिए जी लेख में एक बात पूरी लेखक ने उनको अनौपचारिक विपक्ष का अनौपचारिक नेता कहा। जी मंजीत जी, आप मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बस एक चीज इसमें जोड़ना चाह रहा था। आपने एक बार अभी चर्च में उसी से मैं बोलना चाह रहा था, जब सुशांत कह रहे थे कि जब जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून जो चल रहा था तो पेपर्स तैयार किए गए थे, जो आपने अभी चूंकि मुखर्जी में प्रणब मुखर्जी का नाम लिया तो मैं ध्यान मुझे आया कि जब उसमें पेपर कामेश्वर सिंह की तरफ से तैयार किए गए थे तो वो पेपर तैयार किए थे प्रणब मुखर्जी ने, यही कहना जोड़ना चाह रहा था। और ये बात मुझे खुद प्रणब दादा ने बताई थी इसलिए जी। इस किताब से एक और जो मुझे बड़ी दिलचस्प बात, बड़ी आयरनिकल बात जो पता चली वो ये चली कि जमींदारी उन्मूलन सरकार की तरफ से विधेयक पारित करके उसको लागू करवाने का काम जिस कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था, 2 महीने बाद वो मंत्री पद छोड़ने के बाद उन्होंने उन्हीं जमींदारों की ओर से अदालत में मुकदमा लड़ा। बहुत सारे सूत्र, बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां, ये किताब, ये बात सही है, सही कुछ हद तक है कि किताब का जो विषय है वे 16 दिन,
ये 16 दिन तक आने में बहुत सारे दिन लग जाते। मुझे लगता है कि इस किताब में की जो आधार भूमि है वो कई किताबों को जन्म देगी। इसमें कई सारे किताबों के बीज छिपे हुए हैं और मुझे लगता है कमिश्निंग एडिटर साहब बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध करूंगी ऐसी किताबें जो है भले ही एक इसमें थोड़ा और किताबें दोनों पक्षों की तरफ से राइटर्स जो है सामने आए। और जाहिर है कि अब जबकि देश में लोगों को मुझे लगता है कि लोग कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने का तो माहौल चला गया, ऐसा नहीं है, लोग किताबें पढ़ रहे हैं और नॉन फिक्शन बहुत अधिक पढ़ रहे हैं। तो ऐसी किताबें जिनमें विश्लेषण हो और जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए शिक्षित हो रहे हैं उसकी बजाय असली किताबें पढ़ें, चाहे उसमें इसमें रंग चाहे कोई हो कैसा भी हो, लेकिन इसके जरिए तथ्यों से तो आप मुकर नहीं सकते, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, अपना अपना विश्लेषण दे सकते हैं, लेकिन किताबें जो है पढ़िए जरूर। मैंने तो अपने मित्रों को कह दिया है कि जन्मदिन का गिफ्ट जो है वो किताबें दिया करो हमको भाई। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कई किताबों की पृष्ठभूमि बनती है इस किताब को पढ़ने से। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब जो इंडिया आफ्टर गांधी है उसमें लिखा कि भारत में बहुत सारे व्यक्तियों, बहुत सारी घटनाओं, बहुत सारे आंदोलनों को आज तक कोई जीवनीकार नहीं मिला। बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, शेख अब्दुल्ला को जीवनीकार नहीं मिला, नागालैंड के आदि विद्रोही पीजो को जीवनीकार नहीं मिला, जय सिंह मुंडा की कायदे की जीवनी नहीं लिखी गई जो झारखंड आंदोलन के पिता थे। गुहा जी लिखते हैं कि अमेरिका में टेसिसी वैली जो कॉरपोरेशन है नदी घाटी योजना, उस पर कम से कम प्रथम स्तरीय 50 किताबें लिखी गई और द्वितीय सेकेंड लेवल के और थर्ड लेवल की किताबें तो सैकड़ों हजारों हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं तक पर किताबें उपलब्ध ठीक से नहीं है, जो है वो दस्तावेज है पुराने और बहुत सारी ऐसी चीजें। उसी तरह से सन 47 से लेकर के 52 तक क्या क्या हुआ इस पर कुछ कुछ किताबें आ रही हैं अभी, लेकिन बहुत सारी किताबें नहीं, हम नहीं जानते कि उन सालों में डिटेल में क्या हुआ था। ये किताब उस दिशा में एक प्रयास है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी किताबें आएंगी, तो हमें आशान्वित होना चाहिए किस तरह की किताबें लिखी जाएंगी और उस पर बहस होगी। बातचीत के शुरुआत में सुशांत जी कह रहे थे मंजीत जी कि आधे घंटे से ज्यादा बातचीत नहीं चल पाएगी और ये अभी 1 घंटा होने को आ गया है, बातें खत्म होने का नाम नहीं है। और एक चीज और याद आ रही है मुझे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जब बात हो रही थी तो प्रभात जी आप तो पढ़ाते हैं कॉलेज में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के VC रहे, उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी भी VC रहे, और ये दुनिया के एकेडमिक हिस्ट्री में बहुत कम हुआ कि पिता पुत्र भी VC रहा, एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डॉक्टर गंगानाथ झा हुए, डॉक्टर अमरनाथ झा हुए, तो वो उस कोटि के विद्वान थे और उस समय का दक्षिण पंथ भी विद्वानों के हाथ में था। एक और बात उस जो अपने लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं सोमनाथ चटर्जी, उनके पिता MC चटर्जी भी जो थे वो दक्षिण पंथ में उस समय जो जनसंघ थे उनके साथियों में थे। जी ये देखिए आपकी बात पर हितेंद्र पटेल जी भी यही कह रहे हैं कि 1947 से 1952 पर ध्यान दिलाकर, ये मेरे अंदर भी ये बात हमेशा से रही है कि आखिर आजादी के 1 साल बाद हम सिर्फ इसको हिंदू महासभा पे और RSS पे टाल के बच जाते हैं कि आजादी के 1 साल के भी अंदर 6 महीने के अंदर ऐसी परिस्थितियां देश में क्या हो गई कि राष्ट्रपिता की हत्या हो गई। वो कालक्रम को समझना बहुत जरूरी है, 47 से 52 के कालक्रम को। ये किताब खैर 1950 से 51 बल्कि एक तरह से 1951 के ही घटनाक्रमों को हमारे सामने रखती है और 1 साल के घटनाक्रम में इतना कुछ बता जाती है। मैंने पढ़ा राजनारायण सिंह सांसद का भी नाम पढ़ा तो मुझे पता तब समझ में आया कि राजनारायण पहले संसद 1952 से पहले भी संसद में थे। तो बहुत सारी चीजें इस किताब से, और बहुत बहुत समय का अभाव है, बातचीत लंबी होती, लेकिन ये किताब अपने मूल विषय के अलावा बहुत सारे विषयों की तरफ ले जाती है हमें, और उस नाजुक समय के बारे में जब पहला आम चुनाव देश में होने वाला है और उससे पहले के घटनाक्रम को जरूर पढ़ना चाहिए। त्रिपुर दमन सिंह की किताब वे 16 दिन। मैं बहुत आभारी हूँ सुशांत जी आपका, मंजीत जी आपका, कि आप लोगों ने समय निकाला और इतनी दिलचस्प चर्चा इस किताब के बाहर निकाली। बहुत 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 शुक्रिया प्रभात जी।